ऐतिहासिक पर्यटक स्थल जनपद सोनभद्र में आपको मैं लेके आया हूँ। और यहाँ पर मारकुंडी पहाड़ के नाम से जाने जाने वाला बहुत ही ऊंचा विशाल पहाड़ है, जहाँ का मैं आपको दिखाऊंगा दृश्य। आप इधर देख रहे हैं गेट बना हुआ है, वीर लोरिक पत्थर स्मारक द्वार, और यहीं पर हैं वो दर्शनीय स्थल जिनको मैं अभी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। और वीर लोरिक की गाथा भी यहाँ के लोगों से मैं आप लोगों को सुनाऊँगा, क्या उनका कथानक है। और यहाँ पर जो उनकी एक निशानी है जो उन्होंने रानी मंजरी को दी थी, उसका भी मैं आप लोगों को अवलोकन दिखाऊंगा कि बहुत विशाल पत्थर है, उसको अपनी तलवार से जब काटा है उन्होंने तो दो भाग हो गए हैं, वहाँ तक भी मैं आपको लेके चलता हूँ। और इधर देखिए वादियों में, इन पहाड़ की हसीन वादियों में बसाए नीचे का मारकुंडी नगर है। और यहाँ पर देखिए यहाँ से बहुत ही सुंदर और मनोहारी दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग कश्मीर वगैरह में आ गए हैं। यहाँ का दृश्य देखने के लिए बहुत दूर दूर से पर्यटक लोग आते हैं और यहाँ पर आकर के पिकनिक वगैरह मनाते हैं। आप लोग भी कभी अगर सोनभद्र में आने का सुअवसर प्राप्त होता है तो यहाँ पर आकर के इसका अवलोकन जरूर करें। ये पर्यटक स्थल शक्ति नगर मार्ग, बनारस से जो शक्ति नगर रोड गई है उसी पर स्थित है, बहुत ही ऊंची पहाड़ी पे। आप कभी आते हैं तो इसका दृश्य जरूर यहाँ का देखें, कितना मनोहारी है। लोगों से भी संवाद स्थापित करूँगा, यहाँ के जो निज निवासी हैं उनसे भी बात करूँगा, क्योंकि उन लोगों से अधिक अच्छी जानकारी मिलेगी। और नज़दीक में आ गया हूँ यहाँ पर वीर लोरिक का जो पार्क बना हुआ है, यहाँ पर मैं आ गया हूँ और भी मैं आपको लेके चलूँगा अंदर, दिखाऊँगा वहाँ का जो अद्भुत नज़ारा है। और यहाँ पर देखिए सामने इतना ऊंचा पहाड़ है, इसके आपको दिखाई भी दे रहा होगा, और बहुत ही सुंदर ये दर्शनीय स्थल है। और इधर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि नीचे जो बस्ती है, यहाँ से जैसे खिलौने होते हैं वैसे दिखाई दे रहा है, और बहुत ही मनोरम दृश्य है। उधर में नदी भी है और बहुत ही यहाँ से ये दृश्य अच्छा लग रहा है। और ये गेट है, और इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा वीर लोरिक पत्थर के नाम से बोर्ड लगा हुआ है। और अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, जिसको दिखाने के लिए कई लोगों ने कमेंट करके हमसे कहा था कि आप जो है वीर लोरिक पत्थर का दृश्य जरूर दिखावें। बहुत ही प्रयास के बाद आज पहुंच गया हूं, और यहां पर मैं उस पत्थर को आपको दिखाऊंगा जो कि एक ही वार में उस पत्थर के दो टुकड़े हो गए थे। उस रानी मंजरी की निशानी जो वीर लोरिक ने दी थी, उसकी निशानी आज भी यहां पे मौजूद है और आपको दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। वीर लोरिक का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के गौरा गांव में हुआ था, और इनकी ससुराल चौपन के समीप में अगोरी किला में थी, जिसका वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं। आप चाहेंगे तो उसका मैं लिंक दे रहा हूं, उसको भी देख लीजिएगा। और यहां पर आया हूं, यहां पर वीर लोरिक की बहुत ही अच्छी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, जिसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप एक बार प्रतिमा का अवलोकन कर लीजिए, फिर इसके बाद इन्होंने जो अपनी तलवार से जो पहाड़ को काटा था, मैं उसका भी आप लोगों को दिखाऊंगा। यही वो पहाड़ है जिसको वीर लोरिक ने अपनी तलवार से एक ही बार में काटा था। आप लोग भी इसका अवलोकन करिए, और मैं चाहूँगा नज़दीक से आप दिखाने का प्रयास करें, जो कि आर पार दिखाई भी देता है। और
ऐसा दृश्य अन्यत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत ही पुराने साक्ष्य हैं पीलोरों की गाथा के साथ में, ये साक्ष्य भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप कभी भी आएंगे, इधर का भी नज़ारा आपको देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। मैं उनसे जुड़ता हूँ और संवाद स्थापित करता हूँ। हाँ, अनस नाम है हमारा। कहाँ से हैं? यहीं से मेन है कि रहने वाले जी। आप रहने वाले सोनभद्र के हैं, रावर्सगंज के जी, चुर के। क्या यहाँ पे क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पर, जो आपने देखा इसमें क्या अच्छा? यहाँ का नेचर सबसे बेस्ट है, नेचर जो है, और यहाँ का ही नहीं पूरे हमारे सोनभद्र का जितना भी है पूरा भी नेचर सबसे बेस्ट है। आप यहाँ पे क्या, आप ये हो गया और क्या नाम है आपका, ये विजयगढ़ हो गया, किला हो गया, यहाँ का जो सबसे फेमस है माना जाता है वो हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने के लिए। विजयगढ़ किला वही किला है, चंद्रकांता का एपिसोड आप जो टेलीविज़न पर देख रहे थे वही की सीन को लेकर के उसी को फिल्माया गया है, देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित चंद्रकांता, उसकी यहाँ पे कहानी को दर्शाया गया है। कभी अवसर मिला तो मैं आपको चंद्रकांता के महल के दर्शन जरूर कराऊंगा और जुड़ता हूँ अन्य लोगों से। दर्शनार्थियों में यहाँ पर इस देश को छोड़कर के लोग नेपाल से भी आए हैं जिनसे मैं बात करूँगा। आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे दोस्तों। मेरा नाम आयुष है, आयुष सिंह, और हम नेपाल में पालपाट कर रहे हैं। जब आप आए यहाँ इंडिया में क्या अच्छा लगा आपको? हम तो पैदा ही यहीं पे हुए थे। आप यहीं पर पैदा हुए, मतलब आपके पूर्वज लोग नेपाल से थे, तो यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं किस क्लास की? बीकॉम सेकंड ईयर। चलिए, मंगल कामना आपके लिए। और मैं जुड़ता हूँ आप भी हमारे। मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं चूर का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे काफ़ी लोग घूमने आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। काफ़ी अच्छा जगह है सोनभद्र। अभी मेरे चूर्क में काफ़ी अच्छा अच्छा जगह, वहाँ पे अगर आएंगे, काफ़ी लोग आए हैं वहाँ पे, जो भी आया है वहीं पे रह चुका है, चूर्क में ही रह गया है। वहाँ पे जमीन उमीन लेके सब बहुत अच्छे अच्छे जगह है चूर्क में, बस हम यही कहेंगे। वातावरण शुद्ध और पर्यावरण पोषित, ये यहाँ का जो माहौल है ये अन्यत्र आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए लोग बाहर के आकर के यहाँ बस जाते हैं, यहाँ का माहौल अच्छा लगता है। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ भैया जी को, और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जो चैनल को देखते हैं, वीडियो पसंद करते हैं, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ संजय श्रीवास्तव, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।